बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी ये सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था ये भाई वीडियो आपको, मैं अभी यहाँ पर साथ में पिक्चर और वीडियो दिखा देता हूँ इसके मतलब। आप पहले तो ये देख लें, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ साथ में चलाकर। ये हरम शरीफ में यानी कि उमरा के दौरान एक दो ग्रुपों में आपको ने कुछ अफराद में झगड़ा हुआ है जी। रमज़ान का महीना चल रहा है, आपके साथ यहाँ पर वीडियो भी शेयर करता हूँ। एक मैं आपको पहले बात भाई आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि हाल ही में यानी कि ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, मैं उमरा पर था और एक पाकिस्तानी को मैंने देखा है कि उस टाइम ना आप ये खाना काबा के दरवाजे के साथ हम लग सकते थे। एक पाकिस्तानी लड़का था जी, उसको छूटता है पीछे से, वो काबा के दरवाजे के साथ लगा हुआ था, उसको इधर से नीचे वाले हराम से उसने पकड़कर पीछे खींचा और उसको बोला मेरे साथ आ जाओ, इकामा निकालो। क्यों? वो लोगों को धक्के वगैरह देकर और काबा के दरवाजे के साथ जाकर लगा था, यानी कि लोगों को धक्के देने की वजह से कैमरे में उन लोगों ने देखा और उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो ये जिन बंदों ने काबा शरीफ के अंदर यानी कि हरम शरीफ के अंदर बोल रहे हैं सहन में, जहाँ पर हम नीचे सहन वाली जगह के ऊपर तवाफ करते हैं, तो उस जगह के ऊपर इन लोगों ने झगड़ा किया। साथ में कुछ खवातीन वगैरह भी गुजर रही हैं, आपको तो यहाँ पर इनकी वीडियो भी अभी शायद दिखा रखा हूँ। तो आपस में कुछ अफराद ने झगड़ा किया, ऊपर वाले अहराम इनके नहीं हैं जी, और एक तो रमज़ान का महीना है, ऊपर से भाई जगह कौन सी है और वहाँ पर ये झगड़ा कर रखे हैं। इस चीज़ को देखते हुए अभी तक तो ये गिरफ्तार हो चुके होंगे, लेकिन जब ये गिरफ्तार होंगे यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बकायदा बताया जाएगा और इनको क्या सजा दी जाती है वो अलग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है इनको अभी तक मेरे हिसाब से गिरफ्तार कर लिया होगा और इनको अच्छी खासी जेल और अच्छा खासा फाइन इनके ऊपर होगा।